दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोथर्म पैनल का एसएल कार्ड के बारे में बताऊंगा। एसएल कार्ड खराब हो गया है, आपको किस तरह से कॉन्फर्म करना है 2 मिनट के अंदर में, और इसके लिए क्या ज़रूरी है। आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, तभी इस काम को करने में आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। अगर आप इलेक्ट्रोथर्म पैनल चला रहे हैं तो जिस तरह से आज मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आप प्रैक्टिकल में जब काम कीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है, इसमें एक आपका क्या रहता है, ऑन वाला पुश बटन रहता है, और एक रहता है आपका ऑफ वाला पुश बटन, और एक रहता है आपका इमरजेंसी, जिसको हम लोग इमरजेंसी स्टॉप भी बोलते हैं और इमरजेंसी स्विच भी बोलते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करना है वो इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा से सुनिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। बहुत सा फ्रेंड को ऐसा लगता है कि आप जो वीडियो बना के समझाते हैं बहुत ही ज़्यादा हवा फेंकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बात बोलते हैं। जो जो फ्रेंड नया काम सीख रहा है उसको अगर एक आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कनेक्शन के बारे में बताइएगा तो देखिएगा, आपको ठीक से बता भी नहीं पाएगा, ठीक से समझा नहीं पाएगा। जिसके पास ऑलरेडी प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया है उसके लिए तो कुछ भी तकलीफ नहीं है, लेकिन जितना सारा फ्रेंड नया नया इस चैनल के साथ जुड़ रहा है, इस टाइप से वीडियो बनाना पड़ेगा। चाहे एक एसएल कार्ड क्यों ना हो या आईटीसी कार्ड क्यों ना हो, या एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो या स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, कोई भी चीज़ के ऊपर डाउट नहीं रहना चाहिए। जब प्रैक्टिकल में काम करेगा तब भी कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, जितना सारा फ्रेंड है हमसे जुड़ेगा। कुछ कुछ कमेंट जो है वो यूट्यूब में आता रहता है, इसी के लिए मैं एक लाइन आप लोगों को बोल दिया। तो जब आपका एसएल कार्ड खराब होगा उस टाइम ये जो 3 गो स्विच है इसको आपको अच्छा से फॉलो करना है। जब आप पैनल को ऑन कीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीड ऑन बोलते हैं, और इसको हम लोग हीड ऑफ बोलते हैं, और इसको इमरजेंसी स्टॉप बोलते हैं। तो इमरजेंसी स्टॉप स्विच का काम क्या है, जब हम लोग फर्निस में यानी कि क्रूसिबल में काम करते हैं तो पैनल में स्टॉप लगा के रखते हैं कि कोई आके पैनल को चालू ना कर दे। तो ये हो गया इमरजेंसी स्विच का काम, और ऑफ वाला ना जो आपका पैनल चल रहा है इसको ऑफ करने के लिए जो पुश बटन लगा हुआ है, जिस तरह से मैं इमेज डाल के आप लोगों को समझा रहा हूँ, और एक रहता आपका ऑन वाला। तो जब आपका एसएल कार्ड खराब होगा ये 3 स्विच से ही आप कॉन्फर्म कर सकते हैं, और किस तरह से कॉन्फर्म करना है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी क्या करना है कि ये जो एसएल कार्ड है ये आपका खराब हो गया है, उस टाइम आप देखिएगा जब आप पैनल को ऑन कर रहे हैं तो पैनल आपका ऑन हो रहा है, और जब आप पैनल को बंद कर रहे हैं उस टाइम बंद भी हो रहा है। लेकिन जब ये इमरजेंसी स्टॉप वाला स्विच है इसको जब आप दबा रहे हैं तो उस टाइम आपका पैनल बंद नहीं हो रहा है। इसके साथ पैनल में जो डोर ओपन का एक ट्रिपिंग दिया हुआ रहता है, जब आप पैनल का डोर ओपन वाला जो माइक्रो स्विच लगा हुआ है ये भी देखिएगा क्या रहता है, एक आपका NO रहता है और एक आपका NC रहता है। जब आप दरवाज़ा को क्लोज करते हैं तब आपका NC रहता है, जब आप दरवाज़ा को खोलते हैं उस टाइम NO हो जाता है। तो जब आप पैनल का दरवाज़ा खोलिएगा उस टाइम भी देखिएगा कि जो आपका पैनल है डोर ओपन का ट्रिप तो आ रहा है लेकिन पैनल आपका कंटिन्यू चल रहा है, उस ट्रिपिंग से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। या जो आपका बास्केप टेम्परेचर का सेंसर के लिए वायरिंग दिया हुआ है, बास्केप टेम्परेचर का सेंसर का जो तार है इसको भी आप खोल दीजिएगा तो क्या होगा, पैनल आपका बंद नहीं होगा। तो इस तरह से जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल में जितना सारा ट्रिपिंग दिया हुआ है तो उस टाइम क्या होता है कि कोई भी ट्रिपिंग आपका काम नहीं करेगा और पैनल आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस टाइप का अगर आपके पास फॉल्ट आ रहा है तो आपको क्या करना है, एसएल कार्ड को आपको चेंज करना है। एसएल कार्ड में हम लोगों का कौन सा सेटिंग दिया हुआ रहता है
ना ये हमारा लिमिट कंट्रोल कार्ड है, जैसे करंट लिमिट हो गया, वोल्टेज लिमिट हो गया। आगे जो मैं और वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा और जो जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी ये आपको कन्फर्म हो गया कि ये जो एसएल कार्ड है ये आपका ख़राब होने से किस तरह से कन्फर्म करना है। मतलब एसएल कार्ड अगर कोई कारण से ख़राब हो जाएगा तो पैनल में हमारा सिर्फ ऑफ और ऑन काम करेगा, और जब आप इमरजेंसी स्विच को दबा के रख दीजिएगा तब भी आपका पैनल क्या होगा, बंद नहीं होगा। जब आप कोई सेंसर का, जैसे फर्निस हाई टेम्परेचर का ट्रिपिंग दिया हुआ रहता है, वो सेंसर खोल दीजिएगा तब भी आपका पैनल बंद नहीं होगा। या जो आपका डीएम मोटर का मोटर है उसको भी आप बंद कर दीजिएगा तब भी आपका पैनल चलता रहेगा, कोई कारण से पैनल आपका बंद नहीं होगा। तो इस टाइप का क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बनाना है कि प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा। तब ये जितना सारा पॉइंट मैं आप लोगों को बताया हूँ ये सब पॉइंट का आपको फॉलो करना है, और इस टाइप का फॉल्ट आएगा तो आपको एसएल कार्ड को एकदम बिल्कुल बिंदास होके चेंज कर देना है। जो पुराना वाला कार्ड है उसको खोल देना है और नया वाला कार्ड को फिटिंग कर देना है। तो जिस तरह से दोस्तों मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाता हूँ, मैं एक ऑनलाइन क्लास भी चलाता हूँ जो आपका हर महीना 250 रुपया पे करना पड़ता है, और बिल्कुल मैं शुरुआत से अभी काम सिखा रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से लेके जितना दूर तक आप काम करते हैं। इसमें बहुत सारा टाइप का आ जाता है, एसीबी, वीसीबी, पीएलसी, बहुत सा चीज़। तो देखिएगा बहुत सा फ्रेंड का क्या डाउट रहता है कि हमको बिल्कुल शुरुआत से काम सीखना है। तो अगर आपको भी शुरुआत से काम सीखना है तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।